छह महीनों बाद दमदार वापसी, जड्डू के जादू में गुम हुए कंगारू। छह महीनों बाद मैदान में वापसी करते हुए टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने धमाल मचा दिया है। अगस्त 2022 के बाद अपना पहला मैच खेलने उतरे जड्डू ने अपनी फिरकी के जादू में कंगारू टीम को ऐसा फंसाया कि वो टेस्ट मैच के पहले ही दिन बैकफुट पर चले गए हैं। दरअसल ऑस्ट्रेलियाई टीम इस वक्त भारत दौरे पर है, जहां दोनों देशों के बीच बहुप्रतीक्षित बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी टेस्ट सीरीज खेली जा रही है। सीरीज का पहला मैच नागपुर के विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेला जा रहा है। कंगारू कप्तान पैट कमिंस ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया था, लेकिन स्टार ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने बल्लेबाजों की एक न चलने दी। जड्डू ने विश्व के नंबर वन टेस्ट बल्लेबाज मार्नस लेबुसेन को विकेटों के पीछे डेब्यूटेंट श्रीकर भरत के हाथों स्टंप कराया। लेबुसेन अपने अर्धशतक से महज एक रन से चूक गए। इसके तुरंत बाद जडेजा ने नए बल्लेबाज मैट रेनशॉ को LBW कर दिया। फिर जडेजा ने अपनी बेहतरीन गेंद पर दिग्गज बल्लेबाज स्टीव स्मिथ को क्लीन बोल्ड कर दिया। जडेजा यहीं नहीं रुके, इसके बाद उन्होंने और दो विकेट झटके। क्रीज पर जमे पीटर हैंडस्कॉम को जडेजा ने LBW किया और फिर टॉड मर्फी को LBW कर जडेजा ने 5 विकेट हॉल हासिल कर लिया। जडेजा ने ऑस्ट्रेलिया के सारे प्रमुख बल्लेबाजों का ही शिकार किया। ये जडेजा की दमदार गेंदबाजी का ही नतीजा था कि कंगारू टीम सिर्फ 177 रन पर ढेर हो गई। नागपुर टेस्ट के पहले दिन 5 विकेट चटकाकर रविंद्र जडेजा ने एक बड़ी उपलब्धि भी हासिल कर ली। टेस्ट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों की सूची में वो 54वें स्थान पर पहुंच गए हैं। उन्होंने पाकिस्तान के यासिर शाह को पीछे छोड़ा, जिन्होंने 48 मैचों में 244 विकेट झटके हैं। वहीं रविंद्र जडेजा 61 मैचों में 247 विकेट ले चुके हैं। जडेजा दूसरी पारी में अगर 3 विकेट और चटका लेते हैं तो वह टेस्ट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में टॉप 50 में जगह बना लेंगे। आपको बता दें कि स्टार ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने अपने टेस्ट करियर में 11वां 5 विकेट हॉल हासिल किया है, जबकि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 4थी बार ये कारनामा करके दिखाया है। ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी में 177 रनों के जवाब में भारतीय टीम ने पहले दिन का खेल खत्म होने तक 1 विकेट खोकर 77 रन बना लिए थे। कप्तान रोहित शर्मा 56 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं, उनके साथ रविचंद्रन अश्विन थे, लेकिन उन्होंने अभी तक अपना खाता नहीं खोला था। KL राहुल के रूप में भारत ने 1 विकेट खोया, वो 20 रन बनाकर आउट हुए थे। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या जडेजा दूसरी पारी में 3 विकेट लेने में कामयाब हो पाएंगे या नहीं, कमेंट में हमें जरूर बताएं। क्रिकेट के खबरों और रिकॉर्ड्स के लिए फॉलो करें हमारा पेज। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगले अंक में मिलेंगे एक और दिलचस्प रिकॉर्ड के साथ। अभी दीजिए इजाजत, धन्यवाद।